हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्य तेवतिया जस्ट फिटनेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो से एक नई वीडियो सीरीज़ की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ का नाम होगा ओपनिंग सीरीज़। ओपनिंग सीरीज में हम करने वा क्या वाले हैं, बिकॉज इंडिया में 70% सप्लीमेंट फेक हैं या फिर वो ग्रे मार्केट से आते हैं। तो हम ओपनिंग सीरीज़ में करेंगे क्या, मैं सप्लीमेंट के ओपनिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा सप्लीमेंट फेक है और कौन सा नहीं, और कैसे चेक करना है कि कौन सा सप्लीमेंट फेक है या नहीं, आपने जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदा है या नहीं खरीदा। तो इसी ओपनिंग सीरीज की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा सभी सप्लीमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जिस प्रोडक्ट की हम जेन्युइनिटी को चेक करने वाले हैं, उसकी ओपनिंग करने वाले हैं, उसका नाम है मसल फार्म का कॉम्बैट 100% वे प्रोटीन। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मसल मामा का 100% वे प्रोटीन कॉम्बैट 100% वे है ये। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसका लेबल ये है, मसल फार्मा कॉम्बैट 100% अल्ट्रा प्रीमियम 100% वे प्रोटीन। आप पीछे इसका न्यूट्रिशन फैक्ट देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कैलोरी 130, टोटल फैट 1.5, उसमें से सैचुरेटेड 0.5 है, कोलेस्ट्रॉल 35 ग्राम है, सोडियम 70 ग्राम है, पोटेशियम 300 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम है, और डाइटरी फाइबर 1 ग्राम है, शुगर 1 ग्राम, प्रोटीन 25 ग्राम है इसमें, और इसकी सर्विंग है 33 ग्राम्स की, और 68 सर्विंग है इसके अंदर। और ये सब कुछ सब मार्केटिंग के तरीके हैं, ये तो कुछ मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो ये सब कंपनियाँ लिखती हैं। अब जो मेन देखने वाली बात ये है, वो है इसका ये ऊपर जो लगी हुई है इंपोर्टर स्लिप। अब मैंने इसको ब्रेक कर लिया है, इसकी सील को, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी सील। ये देखिए सील जो है इसकी, वो ओरिजिनल है, उससे ही उसके ऊपर लिखा होता है MP, मसल फार्मा का साइन बना हुआ होता है। तो ये थी इसकी सील, उसको मैंने ब्रेक कर दिया है। अब मैं आपको अंदर से खोल के दिखाता हूँ इसे। ये हमने खोल लिया और ये खुल गया। अब देखिए, आप देख ही रहे होंगे, ये सील है, सील हमारी वाइट कलर की सील मिलती है। अगर आपको कोई भी अलग टाइप की सील मिले तो आप समझ लीजिए आपका प्रोटीन ओरिजिनल नहीं है, आपका ये डब्बा ओरिजिनल नहीं है। तो ये सील जो होगी ये थोड़ा कागज़ टाइप में होगी, तो आपको ये देखना है। और इसको मैंने हटा दिया और इसके अंदर एक फॉर्म, हल्की सी फॉर्म जैसा कागज़ निकलेगा, आपको वो चेक करना है। ये देखिए, आप पास से देखिएगा, थोड़ा खुरदुरा टाइप है ये, इसको मैंने हटा लिया। और ये बहुत ही पतला सा पेपर जैसा है, इसको भी मैंने हटा लिया है। अब दिखाते हैं आपको इसके अंदर का प्रोटीन। ये चॉकलेट फ्लेवर है, देखते ही पता चल गया चॉकलेट फ्लेवर कैसा लगता है। तो अब आपको ये दिखाता हूँ ये पेपर कैसा था, ये देखिए। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा प्रोटीन, ये थोड़ा फोकस करके दिखाऊंगा, जिससे आपको इसकी क्वालिटी का पता चल पाए कि कैसा पाउडर है देखने में। तो ये देखिए, ये है प्रोटीन, आप ढंग से देख लीजिए। अगर आपने कोई ये वाला प्रोटीन लिया है तो आप चेक कर सकते हैं, उससे हल्का सा मैच करने से इतना आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं इस पर थोड़ा फोकस कर देता हूँ। तो ये हुआ इसका ओवरव्यू। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके अंदर स्कूप, वो स्कूप कैसी निकलेगी, उससे भी क्योंकि काफ़ी अंतर पड़ता है कैसे स्कूप दे रहे हैं, क्योंकि लोकल जो सप्लीमेंट सप्लायर हैं वो भी स्कूप डालते हैं, पर उससे वो लोग ओरिजिनल स्कूप नहीं डाल पाते हैं। तो देखिए, जिसको अंदर स्कूप दी हुई है वो मसल फार्मा की स्कूप है, क्योंकि जो मसल फार्मा की स्कूप इसके अंदर आती है वो ग्रीन कलर की आती है। जिस कलर का इस डिब्बे का कैप है वही कलर इस स्कूप का है, तो इससे पता चलता है कि हाँ, ये जो स्कूप है वो ओरिजिनल है, और ये आपका जो प्रोटीन का पैक है ये ओरिजिनल है। ये देखिए प्रोटीन, आप पास से देख सकते हैं, और मैं आपको अभी इसका कलर मैच करके दिखाता हूँ आप इसके कैप के साथ। ये देखिए, इसका कलर बिल्कुल सेम है। तो ये अभी तक तो ये प्रोटीन ओरिजिनल चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। अब मैं आपको इसकी इंपोर्टर स्लिप दिखाऊंगा थोड़ी देर में, या अभी आप इंपोर्टर स्लिप देखिए। ये मसल प्रो न्यूट्रिशन की इंपोर्टर स्लिप है, मसल प्रो न्यूट्रिशन इसका इंपोर्टर है। तो अगर इंपोर्टर स्लिप लगी हुई है तो मतलब हाँ, ये इंपोर्ट किया गया है। और ये थी आपकी सप्लीमेंट ओपनिंग। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आपको चेक करना है तो आप इसमें एक चीज़ और चेक कर सकते हैं अपने प्रोटीन के पैक के, वो आपके बॉटम में या फिर जो पैक होगा उसकी नेक पे, मतलब शोल्डर पे, आपको एक लॉट नंबर लिखा होगा, क्योंकि जो इंपोर्टेड सप्लीमेंट होते हैं उनके ऊपर
एमआरपी आपको नहीं दिखती है, एमआरपी सिर्फ आपकी इंपोर्टर स्लिप के ऊपर होती है। पर आपके इसमें बॉटम में अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक लॉट कोड दिखाएगा। अगर उसमें लॉट कोड है कि ये इंडिकेट करता है कि हाँ वो किसी लॉट में से निकल के आया है जहाँ से वो इंपोर्ट किया गया है, किसी लॉट उस लॉट का नंबर है, तो हाँ उसका मतलब ये है कि ये ओरिजिनल है। और आप इसकी पैकिंग को देख सकते हैं, इसकी पैकिंग अपने आप देखते ही पता चलता है ओरिजिनल पैकिंग है और लोकल पैकिंग का अलग ही पता चलता है। और सबसे मेन बात, आपको इसकी स्पेलिंग चेक करनी है, जो आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं उसकी स्पेलिंग ज़रूर चेक करें, क्योंकि जो लोकल सप्लीमेंट सप्लायर होते हैं वो इतने अकलमंद नहीं होते हैं, वो बस नकली प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं पर इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है, जैसे इसका कॉम्बैट है COMBAT उसकी स्पेलिंग है, तो आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। मसल टेक की कई बार आपकी जैसे परफॉर्मेंस सीरीज़ आती है तो उसकी आप स्पेलिंग चेक करें, उससे आपको पता चल जाता है। तो पहले आपको स्पेलिंग चेक करना है, बाद में जो मैंने आपको बताया वो चेक करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये थी इसकी ऑथेंटिसिटी चेक। तो मेरा ये जो डब्बा था, ये प्रोटीन था, ये उसमें पास हुआ है। और आप भी कोई अगर प्रोटीन ले तो प्लीज़ देख के लें, अगर ऐसा कुछ नहीं दिखता है तो प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि वो फेक हो सकता है। तो दोस्तों ये हुआ ओपनिंग एंड ऑथेंटिसिटी चेक मसल फार्मा कॉम्बैट 100% वे का। और भी इस सीरीज़ में कई सारी वीडियो आ रही हैं, सप्लीमेंट्स के ओपनिंग है उसमें और ऑथेंटिसिटी चेक है, जिन वीडियो को आप देख के पता लगा सकते हैं कि जो सप्लीमेंट आपने खरीदा है वो जेन्युइन है या नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मेरे लिए कोई सजेशन है, आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, सदा फिट रहो।